Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 8. I'm your biology subject teacher Sadaf Zaman और आज का जो है हम अपना 8th lecture वो start करने वाले हैं और इसके लिए हम जो है book का page number 53, 54 and 55 जो है वो cover करेंगे. Today's topic of discussion in chapter 2 organization of life will be circulatory system. सही कि हमने आज के टॉपिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको आज के लेक्चर में अच्छे से देखना है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सही, आपने आज के लेक्चर में ये सीखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकेंगे, यानी आप हार्ट जो है उसकी वर्किंग सही, और इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी जो है सी उनके बारे में भी स्टडी कर सकेंगे. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम. अब आप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले तो ये क्या है, ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है. सही, अब जो है आपको एक बात बताते चलूँ. देखें बॉडी है, सही, बॉडी में क्या है, सेल्स हैं, तो हर सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, और इसके अलावा डिफरेंट काइंड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे क्या करना होता है, उसे फ्री होना होता है. तो ये तमाम काम जो हैं इनके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ना वो चाहिए होता है बॉडी को. वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना बॉडी को जो चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब देख लेते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं या फिर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं सिंपली. ये जो है सिस्टम, ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है. क्यों कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स शामिल हैं. तो ये ऑर्गन, ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है, ब्लड को अलाउ करता है कि वो क्या करे, सर्कुलेट करे बॉडी में. जब वो ब्लड सर्कुलेट करता है ना बॉडी में तो ब्लड को सर्कुलेशन में, और इसके अलावा जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स उनको ट्रांसपोर्ट करने में के लिए अलाउ करता है. और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स वगैरह जो होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल्स को भी जो बॉडी में होते हैं. इसके अलावा इन सेल्स से जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको वापस लेता भी है ये सिस्टम. और इन सब की वजह से क्या होती है कि जो सेल्स होते हैं ना वो नरिश हो रहे होते हैं, उनकी नरिशमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा होता है ये सिस्टम. इसके अलावा इन्हीं सेल्स को जो है वो अगर डिजीज़ वगैरह हो जाती है ना कोई, तो उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, डिजीजेस के अगेंस्ट, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. इसके अलावा होमियोस्टेसिस कंडीशन जो होती है ना बॉडी में उसको भी मेंटेन करने में मदद देता है. होमियोस्टेसिस यानी कि इंटरनल टेम्परेचर जो होता है ना बॉडी का, उसे भी जो है वो क्या रखता है, स्टेटिक रखता है, स्टेटिक कंडीशन में रखता है. अब बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो किस तरह, किन ऑर्गन से मिलके बना है, ये क्या उसमें शामिल है. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, हार्ट. सही, ये हार्ट जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, यानी जो क्या करता है, और पंपिंग ऑर्गन है तो ब्लड को क्या करता है, पंप कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी. इसके अलावा इसी सिस्टम में क्या है, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं. इसीलिए कार्डियो का वर्ड जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्कुलर जो वो क्या कर रहा है, वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसलिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हार्ट और वेसल्स से मिल के बना हुआ है. अब ये जो 3 काइंड्स की ब्लड वेसल्स हैं इनमें क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज में भी आगे 3 काइंड्स की मजीद आर्टरीज हैं, जो पल्मोकिटिनस आर्टरीज, कैरोटिड एंड सिस्टमिक आर्टरीज आ जाती हैं. लेकिन आर्टरीज क्या होती हैं, वो आर्टरीज या जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, यानी कि हार्ट से दूर से क्या मुराद है, कि यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा रही होती हैं. वेन्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये ब्लड को वापस क्या करती हैं, हार्ट तक लेकर आने का काम करती हैं. कैपिलरीज क्या करती हैं, जो टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान मटेरियल होता है ना उसे क्या करती हैं, एक्सचेंज कर रही होती हैं. अब यहाँ पर
आपको ये बात पता चली कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या होता है, हार्ट और ब्लड वेसल शामिल होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर आगे से तीन टाइप की, थ्री टाइप्स की क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और उन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज की भी आगे से क्या है, थ्री काइंड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रॉग जो है उसमें जो ब्लड होता है ना वो किस तरह का होता है, पहले तो हम ये बता देते हैं ना। तो फ्रॉग में असल में क्लोज टाइप जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी सिस्टम किस तरह का है ना, तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक क्या होता है ओपन, एक क्या होता है क्लोज। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो जाहिर है नाम से पता चल रहा है बिल्कुल ओपन है, किसी तरह के सर्किट में बंद नहीं होगा वो, और उस ब्लड को फ्लो करने में किसी सर्किट में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वेसल्स में से गुजरने की ज़रूरत नहीं, वो ओपनली फ्लो करता रहेगा। तो ऐसा सिस्टम जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सर्किट होता है एक ब्लड वेसल्स का, क्लोज सर्किट होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें से ब्लड जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा होता है, और वो ब्लड जो है पम्प होता है एक ऑर्गन के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट कह रहे होते हैं। सही, ये जो हार्ट है असल में फ्रॉग में किस शेप का होता है, कॉनिकल होता है, यानी कोन टाइप का, कोन शेप होती है, और मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी मसल से बना हुआ होता है, और जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी होती है उसके एंटीरियर रीजन में यानी सामने मौजूद होता है। और इस जैसे अब आपको ये हार्ट नज़र आ रहा है ना, तो इसके अराउंड जो है वो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जो कार्डियम का वर्ड होता है ना, वो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और पेरी का वर्ड क्या होता है, अराउंड, तो यानी कि हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन जो है उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। अब हार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, यानी सिकुड़ता है, फैलता रहता है ना, ये जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होती है हार्ट की, इससे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट, यानी दिल का धड़कना। इसी दिल के धड़कने की वजह से, यानी हार्ट बीट की वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। इस ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से ही लाइफ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब फ्रॉग जो है, ये जो हार्ट है फ्रॉग का, इसके थ्री चैम्बर्स होते हैं, तीन कौन कौन से, एक जो है वो राइट ऑरिकल, जिसे हम राइट एट्रियम भी कहते हैं, एक दूसरा कहलाता है लेफ्ट ऑरिकल, जिसे लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं, थर्ड वन आपके पास क्या कहलाता है, वेंट्रिकल। ये जो तीनों चैम्बर्स हैं, मैं आपको आगे नेक्स्ट उसमें डायग्राम में दिखाती हूँ कि क्या है। ओके, आपको यहाँ पे हार्ट जो है फ्रॉग का वो नज़र आ रहा है, इसका एक वेंट्रल व्यू है और एक डॉर्सल व्यू है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रल और डॉर्सल व्यू होता क्या है। तो अगर आप इस हाथ पे गौर करें ना, तो ये आपको अपने हैंड, ये जो हैंड है इसका क्या है, डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड से बैक साइड है, और जो आपके पास इस हाथ की जो वो है फ्रंट साइड, यानी कि क्या है, ये पाम वाली साइड, ये आपके पास क्या कहला रही है, वेंट्रल साइड कहला रही है। तो इस तरह से क्लियर होगा आपको कि डॉर्सल साइड क्या है, वेंट्रल साइड ना। तो इसी तरह से मेंढक की बात करें ना, तो मेंढक यानी फ्रॉग जो होता है, अगर वो आपके पास पीछे से आपने उसको लिटा के रखा हुआ है, पीछे से लिटा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, डॉर्सल साइड है, और अगर उसको आपने फ्रंट यानी सामने से लिटाया हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा, वेंट्रल व्यू होगा उसका। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर वेंट्रल व्यू में राइट ऑरिकल ये वाला और लेफ्ट ऑरिकल ये, यानी जिसे लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं, और ये वाला पोर्शन क्या है, वेंट्रिकल का। ये थ्री चैम्बर्स हैं हार्ट के, सही, फ्रॉग में, और इसी तरह से डॉर्सल व्यू में ये वाला आपके पास क्या कहलाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है, राइट ऑरिकल, और इसके पीछे जो है इस स्ट्रक्चर के पीछे आपके पास क्या होता है, वेंट्रिकल। अब आपके पास ये जो डॉर्सल और वेंट्रल व्यू होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस कहते हैं। सही, मिरर इमेजेस क्या है, जैसे कि आप अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आपको अपना इमेज नज़र आता है ना, तो इसी तरह से ये क्या है, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। अब अगर बात करें यहाँ पर, ये जो है वेंट्रिकल, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से क्या है, एक ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच आपके पास क्या कहलाती है, ट्रंकस आर्टरियोसस कहलाती है। इस ट्रंकस आर्टरियोसस को अगर गौर करेंगे तो ये आगे जाके मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, इन दो ब्रांचेस में से फिर आगे जाके मज़ीद जो है वो क्या है, ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, निकल रही हैं। ये जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, ये क्या होती हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। इनमें से ये वाली जो ब्रांच है आपके पास, ये क्या कहलाती है, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, ये वाली आपके पास सिस्टमिक आर्टरी, और ये वाली क्या कहलाती है, कैरोटिड
आर्टरी कहलाती है। सही, अगर आप गौर करें यहाँ पर भी डोर्सल व्यू में, तो ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये जो ट्रायंगुलर शेप का आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, साइनस वेनसस। ये जो साइनस वेनसस है और यहाँ पर ट्रंकस आर्टरियोसस, ये असल में ट्रू चैम्बर्स नहीं होते हार्ट के, लेकिन चूंकि ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करे होते हैं, ब्लड को जो है वो आगे पहुंचा रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एसेसरी चैम्बर्स कहते हैं। सही, क्या कहते हैं, एसेसरी चैम्बर्स कहते हैं। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर हार्ट की वर्किंग पे, क्योंकि हमने यहाँ क्या करना है, हार्ट की वर्किंग को देखना है, तो हार्ट में जो है ब्लड जो है वो एक तो कंटिन्यूसली फ्लो करता है और दो पाथवेज फॉलो करता है ना फ्रॉग में। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी और एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो क्या होता है, लंग्स में से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता है। सही, जैसे कि यहाँ पर अगर गौर किया जाए, ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स से आएगा तो लंग्स से होता हुआ यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और किसके थ्रू आएगा, ये जो पल्मोनरी वेन है ना, इसके थ्रू जो है वो क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, दूसरी तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, तमाम बॉडी के पार्ट से होता हुआ जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, कहाँ आता है, साइनस वेनोसस, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना ट्राइंगुलर, इसमें आता है। सही, ये साइनस वेनोसस में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस साइनस वेनोसस से जो है, ये साइनस वेनोसस से जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है, राइट ऑरिकल, ये आपको नज़र आ रहा है राइट एट्रियम, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये वाला जो राइट ऑरिकल है और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, जब ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सही, क्या होंगे, आपस में तो नहीं, जब दोनों खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है वो क्या होगा, जो इनमें ब्लड है ना वो क्या होगा, इस वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। सही, ये जो वेंट्रिकल नज़र आ रहा है ना, इस वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फिर जब ये वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये क्या कर देगा, ब्लड को पंप करेगा ट्रंकस आर्टरियोसस में। सही, यहाँ पे ब्लड पहुंचेगा, तो यहाँ से जो है हमने कहा ना कि आगे मज़ीद डिवाइड हुआ है थ्री थ्री ब्रांचेज में ना। अब इधर क्या होगा कि ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी उसे कहाँ पहुँचा देगी, ब्लड को लंग्स में पहुँचा देगी। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आएगा ना वो जाएगा लंग्स में, और वहाँ पे लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, ताकि उसकी क्या हो, ऑक्सीजनेशन हो, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके उस ब्लड को। सिस्टमिक आर्टरी में जो ब्लड आएगा, सिस्टमिक आर्टरी क्या करेगी, उस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाएगी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। सही, तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। जब कैरोटिड आर्टरी तक ब्लड, कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लड आएगा वो क्या करती है, कैरोटिड आर्टरी उस ब्लड को ब्रेन तक सप्लाई करी होती है। सही, कहाँ तक सप्लाई करती है, ब्रेन तक सप्लाई करी होती है। अब आपको एक बात बताती चलूँ कि एक जो बॉडी होती है ना, उसके अगर हम एक किलोग्राम एक किलोग्राम जो वेट होता है उसमें 70 ml के करीब क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। बॉडी वेट की बात हो रही है कि एक बॉडी वेट जो होता है ना ह्यूमन का, उसमें एक किलोग्राम में 70 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है, लेकिन एक अडल्ट के लिए, सही, एक अडल्ट के लिए ये जो होता है ना, कितना होता है 70, ये जो होगा ब्लड 4 या 5 liters के अराउंड होगा अडल्ट में। सही, किसमें, अडल्ट में 4 to 5 liters होगा। अब ये जो डिफरेंट चैम्बर्स है ना हार्ट के, तो इनके दरमियान जो है ओपनिंग्स जो होती हैं, सही, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं, इनके दरमियान जो ओपनिंग्स होती हैं ना, उनकी हिफाजत के लिए क्या मौजूद होते हैं, वॉल्व्स मौजूद होते हैं, क्योंकि राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल, तो ये क्या है, डिफरेंट चैम्बर्स हैं, इनके लिए क्या है, इनके दरमियान ओपनिंग्स भी हैं, और इन ओपनिंग्स की हिफाजत के लिए क्या मौजूद होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। सही है, जैसे कि मोटर वॉल्व्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो वॉल्व का काम क्या होता है कि ना, फ्लो को कंट्रोल करना, तो फ्लो जो है वो बैक ना जाए, रिवर्स डायरेक्शन में जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लो वॉल्व मौजूद होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से, कि वो रिवर्स डायरेक्शन में वापस ना जाए, यानी बैक ना जाए ब्लड। सही है, आगे सप्लाई हो रहा था वो आगे जाए, वापस पीछे की तरफ ना आए ब्लड। सही है, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है, या सिंपल उसे वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, यानी हार्ट की बात हो रही है, कि वो सिस्टम क्या करता है, हार्ट अलाउ करता है ब्लड को
कि वो सर्कुलेट हो। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा होता है डिफरेंट बॉडी सेल्स तक उनको, ताकि नरिशमेंट मिल सके, फाइट कर सके डिजीज़ के अगेंस्ट, और वो अपना टेम्परेचर, पीएच और होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन कर सके। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो असल में हार्ट और वेसल से मिल के बना हुआ होता है, तो इसलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या फिर सिंपल वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब हार्ट जो होता है ना फ्रॉग का, वो क्या होता है, कॉनिकल यानी कॉन शेप का होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और ये एंटीरियर रीजन में पाया जाता है बॉडी कैविटी के। और इस जो हार्ट होता है ना इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब हार्ट बीट क्या होती है कि जो कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होती है ना हार्ट की, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली हार्ट बीट कह रहे होते हैं। फ्रॉग का जो हार्ट है उसके 3 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा 2 मजीद चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, सही, जो कि ट्रू चैम्बर्स नहीं होते लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं, एसेसरी चैम्बर्स कहते हैं, और वो क्या होते हैं, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस हैं। साइनस वेनोसस जो है वो पाया जाता है डॉर्सल व्यू में, और मतलब डॉर्सल व्यू में आपको क्लियर दिखेगा, और ट्रंकस आर्टरियोसस जो है वो आपको जो है वेंट्रल व्यू में नज़र आएगा। ट्रंकस आर्टरियोसस फिर आगे से मजीद जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उन 2 ब्रांचेस में से मजीद 3 ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज की, जो कि क्या कर रही होती हैं, ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, सही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा होता है, किस वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। आपने ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जिस वेन के थ्रू आता है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन्स। और इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, सही, होता हुआ कहाँ पे एंटर होता है, साइनस वेनोसस में, कहाँ पे, साइनस वेनोसस में एंटर हो रहा होता है। तो ये तो था जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन। आपने क्या करना है, टॉपिक जो है हार्ट का यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसे बहुत अच्छे से रीड करना है, और इसके अलावा जो आपको होमवर्क फ्रेम में क्वेश्चंस दिए गए हैं लिखने के लिए, तो आपने उसे क्या करना है, लिख कर नीट एंड क्लीन उसका काम करके उसे याद भी करना है। ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।